The next question, the material used for electric fuse is an alloy of tin and lead. This alloy should have specific resistance or melting point की बात हो रही है. हमसे पूछा है कि tin lead alloy को क्यों use करते हैं fuse wire में. तो उसका reason है कि उसका specific resistance high होता है और melting point low. यानी option A is correct. तो fuse के बारे में क्या याद रखें कि fuse wire होता है tin lead alloy का. इसको circuit में हमेशा series में connect करते हैं. उसकी कुछ specific specified value होती है. उसकी rated value. जिस तक वो अपने में से करंट को बगैर मेल्ट हुए पास होने देगा और सर्किट को सेफ बनाए रखेगा. स्पेसिफाइड वैल्यू से ज्यादा यदि वो करंट ड्रॉ करता है सर्किट तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने की वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट सेफ हो जाएगा. तो फ्यूज वायर के बारे में ये बातें याद रखनी चाहिए. टिन लेड अलॉय का होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई, मेल्टिंग पॉइंट लो, और इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ. तो यहां ध्यान दें, किलोवाट मतलब ये पावर की यूनिट है. किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट और आर ये टाइम की यूनिट है. हम जानते हैं वर्क डन अपॉन टाइम इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. तो W इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू टी, और वर्क डन मतलब एनर्जी. तो यहां लिखा हुआ है किलोवाट और यह है आर. तो किलोवाट आर किसकी यूनिट होगी? एनर्जी की. तो यह एनर्जी की यूनिट है. कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आपको पता होगा किलोवाट आर यह कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की. 1 किलोवाट आर कितने जूल के बराबर होगा? तो क्योंकि यह है 1 किलोवाट × 1 आर. किलोवाट मतलब 1000 वाट और आर मतलब 3600 सेकेंड. और वॉट इंटू सेकेंड क्या होगा? तो वॉट इंटू सेकेंड होता है जूल. तो 3.6 टाइम्स ये 3600 और 10^3, तो 10^6 वॉट इंटू सेकेंड इज जूल. तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 टाइम्स 10^6 जूल. और इसी को कहा जाता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट. बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मतलब किलोवाट आर ये कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? तो उसका भी फॉर्मूला आपको पता है. कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू टैरिफ या रेट. तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब भी निकालनी है तो क्या निकाल लेंगे हम? नंबर ऑफ यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स और एक यूनिट कितना होता है? वो होता है 1 किलोवाट आर. नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू टैरिफ, वो जिस जो भी बिजली कंपनी ने तय किया हुआ होता है. इस तरह कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं. तो याद रखें किलोवाट आर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसका जूल के साथ रिलेशन पूछा जा सकता है. 1 किलोवाट आर इज 3.6 टाइम्स 10^6 जूल और ये बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहलाता है, या आमतौर पर हम इसको सिर्फ यूनिट भी कह लेते हैं. कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालेंगे और उसमें टैरिफ का मल्टीप्लाई कर देंगे. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट इज यूज्ड फॉर 10 आवर पर डे. द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे बाय द लैंप इज. हमको चाहिए नंबर ऑफ यूनिट्स. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 यूनिट इसका मतलब होता है 1 किलोवाट आर एनर्जी. 1 किलोवाट आर एनर्जी जब यूज होगी तो हम बोलेंगे 1 यूनिट यूज हो गया. तो हमको पावर चाहिए होती है किलोवाट में और टाइम चाहिए होता है आर में जब हम यूनिट्स निकालना चाहते हैं. नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए पावर को किलोवाट में होना चाहिए. तो यहां ये वाट में दे रखा है तो 100 वाट में है तो इसे 1000 से डिवाइड करने पर ये किस में कन्वर्ट हो गया? किलोवाट में. और टाइम कितना दे रखा है? 10 आर. तो ये इसका आंसर होगा, ये होंगी नंबर ऑफ यूनिट्स. तो कितना आ रहा है? यह आ रहा है 1 के बराबर. यानी जब 100 वाट का एक बल्ब हर दिन 10 घंटे जलाया जाएगा, यूज किया जाएगा, तब कितने यूनिट्स खर्च होंगे? 1 यूनिट. आगे ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि यदि एक यूनिट का रेट हो 7 रुपए तो कितना कॉस्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी का. तो नंबर ऑफ यूनिट्स पहले फाइंड करेंगे और उसमें टैरिफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी. शॉर्ट में आप इसको यूं याद रख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है. तो वो आती है वॉट, मतलब उस अप्लायंस की पावर वॉट में,
इनटू आर में टाइम अपॉन थाउजेंड. अब ध्यान से देखें तो ये क्या है किलोवाट और ये आर, तो ये है नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू क्या कर देना है इसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कॉस्ट मिल जाएगी. यहां सिर्फ हमसे यूनिट पूछी हुई तो आंसर होगा ए, वन यूनिट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज बी, द चार्ज इज डबल्ड एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज डबल्ड, द न्यू पोटेंशियल इज. तो मैं आपको याद दिलाता हूं पॉइंट चार्ज से, मान लो ये कोई पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस पर यहां फील्ड कितनी होती है, तो फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसी पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, जिसमें के क्या है, तो एसआई में वर्क करें तो के की वैल्यू होती है 1/4πε0, और यदि मीडियम भी प्रेजेंट होता है तो एप्सिलन आर भी यहां आ जाया करता है. अभी हमें यह फॉर्मूला यूज करना है, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फील्ड की बात करें तो यदि पॉजिटिव है तो फील्ड होगी अवे, नेगेटिव होने पर टूवर्ड्स. पोटेंशियल का क्या होगा, तो पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है. यदि ये पॉजिटिव चार्ज होगा पॉइंट चार्ज तो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज होने पर नेगेटिव. तो के क्यू बाय आर इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. यहां बोला है कि चार्ज को डबल कर दिया और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, तो फॉर्मूला ये है हमारा के क्यू बाय आर. तो वी डैश नया पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज इज डबल्ड मतलब 2q, डिस्टेंस इज ऑल्सो डबल्ड मतलब 2r, और इसमें से के क्यू बाई आर को अलग लिख दें, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर से पोटेंशियल हमें उतना ही मिला, मतलब पोटेंशियल डज नॉट चेंज. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम, 3 रेजिस्टेंस कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 1, 2 and 3 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 9 volt, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस कॉइल ऑफ 3 ohm. तो तीन कॉइल्स हैं 1, 2 और 3 ohm की, इन तीनों कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है अक्रॉस अ 9 volt सोर्स, मतलब ये बैटरी यहाँ लगा दी है 9 volt की, हमको बताना क्या है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. तो क्या करेंगे, ऐसे सवालों में हमको इनका इक्विवेलेंट निकाल लेना चाहिए. सीरीज में कनेक्टेड हैं तीनों, 3 + 2 = 5 + 1 = 6, इक्विवेलेंट होगा 6 ohm, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 volt. तो हम करंट फाइंड कर लेंगे वी बाई आर, मतलब 9/6, ये करंट इस सर्किट में से फ्लो होगा 9/6. आप चाहें तो कैंसिल कर लें, 1.5 हो जाएगा, 3 × 9, 3 × 2 = 6, यानी 3/2 इसको लिख लें, और ये करंट सभी को दे दें, तीनों को करंट सेम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जब V3 निकालना होगा तो करंट इंटू ये रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो करंट इज 3/2 एंड रेजिस्टेंस इज 3, सो आंसर विल बी 9/2 volt. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 volt विल बी 9/2 volt, मतलब 4.5. सी इज करेक्ट. इसके अक्रॉस पूछा होता तो क्या करते, फिर से ये करंट और ये रेजिस्टेंस, मतलब ये कितना हो जाएगा 3/2 × 2, मतलब 3 volt यहां आएगा, यहां कितना आया 4.5 volt इसके अक्रॉस, 4.5 इसके अक्रॉस 3, इधर कितना आएगा 3/2 करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी 1.5, इनका टोटल सम 9 के बराबर होना चाहिए, तो 4.5 और 1.5 कितना हुआ 6, 6 और 3 9, 9 volt, यानी हमारा आंसर सही है. तो इस तरह सीरीज की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 copper wires A एंड B ऑफ लेंथ L एंड 2L respectively हैव द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटीज ऑफ द वायर्स A एंड B इज. तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, दोनों वायर्स कॉपर के हैं, हमसे रेजिस्टिविटीज का रेशियो पूछ रहे हैं, हमको याद आना चाहिए रेजिस्टिविटी तो डिपेंड करती है सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर, लेंथ और एरिया से उसे कोई लेना देना नहीं है. तो रेजिस्टिविटीज दोनों की बराबर होंगी दोनों वायर्स की, तो रेशियो कितना होगा 1, यानी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, रेजिस्टिविटीज बराबर होंगी क्योंकि दोनों वायर्स कॉपर के हैं. रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. इसका आंसर है सी.